ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था इंटर्नशिप के लिए। और इसके बाद अगर हम बता दें कि इंटर्नशिप आप ढूंढो कैसे, अगर आपको इंटरव्यू ये सब में प्लेसमेंट का तैयारी आप कर रहे हो ना, तो आप अपना इंग्लिश ठीक कर लेना, क्योंकि उसमें हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कि जैसा कि आपको पता था, हम दिल्ली गए थे इंटर्नशिप के लिए, तो आज हम अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं आपको। एक हमारे साथ दुर्घटना भी हो गया, जिसके चलते आज वीडियो लेट से आ रहा है, वो आपको हम लास्ट में बताते हैं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम दिल्ली गए थे इंटर्नशिप के लिए गए थे। जैसा कि आपको पता था, हमारा इंटर्नशिप जो था वो वेब डेवलपमेंट के लिए था। एक बात आपको हम पहले बता दी, ये जो हमारा इंटर्नशिप का इंटरव्यू था ना, ये हमारा फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने पहली बार इंटरव्यू अपना दिया है। वैसे कॉलेज में तो नॉर्मल छोटा मोटा बहुत दिया है, इंग्लिश ठीक करने के लिए दिलवाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऑफिशियली हम बताएं तो पहली बार हमने इंटरव्यू दिया, वो भी हमने इंटर्नशिप के लिए लाइफ में पहली बार इंटरव्यू दिया। तो हम जैसे कि आपको बता दे रहे, हमारे साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमारा इंटरव्यू था वेब डेवलपमेंट का, तो उसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन हमारा नॉर्मली था HTML CSS JavaScript का। तो क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, मैं लिख कर लाया हूँ। CSS में हमसे पूछा गया था फ्लेक्स और पैडिंग मार्जिन क्या होता है, और HTML में हमसे पूछा गया था कि HTML 4 और 5 में डिफरेंस क्या होता है, और div एंड सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछा गया था। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लिख कर आए थे कि हमसे क्या क्या पूछा गया, बाहर निकलते ही सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने लिख लिया। इसके बाद हमसे एक और चीज पूछा गया था JavaScript में, और JavaScript में हमसे पूछा गया था कि क्लोजर, एनर्मस फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन और प्रोमाइज क्या होता है, और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। तो ये सब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मल। इंटरव्यू से निकलते ही भाई सबसे पहले हम बाहर आए, नोट्स खोला और ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर लिया कि ये चीज हमसे पूछा गया, क्योंकि बाद में भूल जाते तो फिर बता नहीं पाते। और इसके बाद अगर हम बता दें कि इंटर्नशिप आप ढूंढो कैसे, सबसे पहला बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि इंटर्नशिप आप ढूंढो कैसे, कॉलेज जो नहीं देता है आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। थर्ड ईयर में जाते ही आपको इंटर्नशिप ढूंढने का मतलब शुरू कर देना चाहिए आपको। तो थर्ड ईयर में जाते ही हमने खुद से ढूंढा था, मालूम है हमने कहां से ढूंढा था, नॉर्मल आप कहां से ढूंढ सकते हो मालूम है, लिंक्डइन सबसे बढ़िया चीज है भाई, उस पर आप फ्री में एकदम ढूंढ सकते हो, आपको एक से एक इंटर्नशिप उसमें मिल जाता है। और लिंक्डइन से अच्छा एक और चीज है वो इंटर्नशाला, उसमें आपको एक से एक इंटर्नशिप देखने को मिल जाता है, जो कि इजिली आप वहां पे पा जाओगे, वहां पे जहां भी रिक्रूटमेंट रहता है वहां पे आ जाता है, वहां से भी आप फिल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां इंटर्नशिप खाली है, तो आप वहां से भी फिल कर सकते हो। ये दो चीज बहुत अच्छा है, अगर आपको इंटर्नशिप आप ढूंढ रहे हो ना थर्ड ईयर में जाते मेरे ख्याल से ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप कॉलेज के बाद उससे बैठे हो, कॉलेज हमें देगा ऐसा नहीं होता है, आप खुद से भी ट्राई करो, हाथ पे मारो। और उसके बाद अगर हम बताएं, आपको इंटर्नशिप दो तरह का होता है नॉर्मल, एक होता है पेड इंटर्नशिप, एक होता है अनपेड इंटर्नशिप। अगर आप थोड़ा होशियार हो, आपको अच्छे से आता है, मतलब जो भी ये बात करी ये सब आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है, तो आपको पेड वाला इजिली मिल जाएगा। अगर आपको मान लो पेड वाला नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप बात मानो अनपेड वाला भी आप ज्वाइन कर लो। इससे फायदा क्या होता है ना, अनपेड वाला आप ज्वाइन करने से ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है इंटर्नशिप में क्या किया जाता है, आपको प्लेसमेंट में बहुत फायदा दिया जाता है। और वो सर्टिफिकेट से क्या होगा, आपको प्लेसमेंट में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज है। एक तरफ एक बंदा रहेगा जिसको जीरो नॉलेज है, आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वहां पे एक बेनिफिट मिलेगा। और हम अपने बारे में बता दे रहे हैं कि हम जो इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने गए थे ना, वो अनपेड वाला था। मुझे जैसा कि आपको पता है, मुझे इंटर्नशिप नहीं चाहिए, तो मैं बस एक्सपीरियंस के लिए था, मेरे को देखना था भाई कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसा होता है, ये मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी था कि मेरे को जानना था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, क्या कैसे होता है। आज तक इंटरव्यू में नहीं बैठे भाई, ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था इंटर्नशिप के लिए, तो मेरे को वहां पे सही में बैठ के एक तो मजा आया। देखो आप कॉलेज ज्वाइन करोगे ना, तो एक जो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड हो जाता है। ये मेरे यहाँ से आने से पहले मेरा ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों का था कि कॉन्फिडेंस भाई उनका कम था, लो लेवल का था सबका लगभग। एक ये फायदा होता है, आप कॉलेज में आते हो ना तो आपका थोड़ा इंग्लिश ठीक हो जाता है, आप इतना ज्यादा एग्जाम में बैठ जाते हो, इंग्लिश का जितना क्लास होता है उसमें आपको इंटरव्यू ले लिया जाता है, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस, तो इससे क्या होता है आपका अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ आने से पहले अगर डायरेक्ट बैठता तो कसम से मैं कुछ नहीं बोल पाता, आप एकदम ब्लैकआउट हो जाते। लेकिन कॉलेज आने का एक फायदा होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। अब मेरे साथ होता है कि हम किसी से भी अननोन से भी जाके बात कर लेते हैं, मेरे को अब उतना डर नहीं लगता। लेकिन पहले क्या था भाई, सोचते थे कि जाके क्या बात करें, कैसे बात करें, क्या होगा क्या नहीं, बहुत सोचते थे। तो मेरे को यही बस जानना था कि इंटर्नशिप में क्या पूछा जाता है, कैसा होता है। तो मैं सैटरडे संडे भी था, तो मैं इसीलिए दिल्ली चला गया, एक मैंने लिंक्डइन पे ही फिल किया था, वहां से कॉल लेटर आया था, तो मैं जाके भाई इंटरव्यू देकर आ गया। तो ये इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लेकिन मुझे ज्वाइन नहीं करना था, तो मैं फिर कॉलेज आ गया। और इसके बाद एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू ये सब में प्लेसमेंट का तैयारी आप कर रहे हो ना, तो आप अपना इंग्लिश ठीक कर लेना, क्योंकि उसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में ही होता है। तो इससे क्या होता है, मान लो अगर आप जो भी वो पूछ रहे हैं आपको आ रहा है, लेकिन आप सामने वालों को बता ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या है कि वो आपको समझेंगे कि वो आपको आता ही नहीं है, तो एक आपका प्लेसमेंट का ऐसे ही रास्ता कट गया।
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश ठीक करके जाना, इंग्लिश ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आपको 5% भी आता है ना, तो आपको इंग्लिश आएगा तो आप वो भी बता पाओगे। लेकिन अगर मान लो आपको 10% आ रहा है लेकिन आपको इंग्लिश ही नहीं आ रहा, तो आप तो 1-2% ही बोल पाओगे, तो उनको लगेगा आपको आता ही नहीं है। तो प्लेसमेंट के लिए एक ही चीज बहुत जरूरी होता है, वो होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन, अपना अच्छा करके जाना, इंग्लिश अच्छा करके जाना। तो मेरे तरफ से एक यही टिप्स रहेगा। बाकी बात अगर हम बात करें तो मेरे को पहला अपना इंटरव्यू देने में भाई बहुत मजा आया, कसम से क्या बताएं आपको। दिल्ली गए, घूम के भी आए, लेकिन वहां पे एक हमारे साथ दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि हमारे बाबा के साथ थोड़ा दिक्कत हो गया, वो हम शायद नहीं आपको, मेरे ख्याल से कि वो आपको नहीं बताना चाहिए, उसका फैमिली का थोड़ा पर्सनल मैटर है, वो मेरे को यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ बहुत खराब हुआ, तो मैं इंटरव्यू देने के बाद मैं सोचा था वही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जस्ट फोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं सीधा वहां से बस पकड़ के अयोध्या अगले ही घंटे निकल जाता हूँ, इसलिए मैं उस बिल्डिंग के सामने वीडियो नहीं बना पाया। वैसे अब आपको देखने को मिलेगा कि बाबा हमारे साथ बहुत दिन तक देखने को नहीं मिलेगा, वो फिलहाल घर पे, उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, वो हो सके तो आने वाले समय में आपको हम बताएंगे। फिलहाल ऐसा हमारा दिन था, फिलहाल आज ही हम आए हैं बाबा के घर से कॉलेज, इसीलिए हम कॉलेज का वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ भी वीडियो नहीं आ रहा था भाई। मैं उसी के घर 3 दिन पूरा था, तो मैं उसी के घर गया था जिसमें 3 दिन पूरा हमारा चला गया। और हम यहाँ से फ्राइडे को निकले थे, तकरीबन सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे को हम सुबह में ही बस सरोजनी गए थे, वो शूट किए थे, उसके बाद हम अपलोड मतलब पूरा, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये 4 दिन वीडियो नहीं बनाया, 4 दिन उसके घर ही थे। तो आपको आगे हो सके तो फ्यूचर में बताते हैं क्या कैसे हुआ था, ऐसे ही मेरे को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो बाबा हमारे साथ कुछ दिन नहीं दिखेगा, तो बस कुछ नहीं, कल से हम भी रेगुलर क्लास जाएंगे तो आपको दिखेगा, जैसे हम भी क्लास अपना करना शुरू कर देंगे। हमारा जो ये इंटरव्यू था ना, ये था वेब डेवलपमेंट का, जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं इजी क्या होता है। अगर आपको मान लो इंटर्नशिप करने या भी प्लेसमेंट ही जाना है ना, तो आप पहले स्टार्ट करना फ्रंट एंड से, उसके बाद क्या करना आप धीरे धीरे बैक एंड में जाना, इससे क्या होता है आप दोनों सीख जाओगे और आप फुल स्टैक बन सकते हो, ठीक है। तो ये इजी वे है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप बैक एंड से स्टार्ट करना, फ्रंट एंड इजी होता है भाई, अगर आप उससे स्टार्ट करते हो तो थोड़ा बहुत आप सीखते जाओगे और आप बैक एंड तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन आप अगर शुरू ही बैक एंड से करोगे ना, कसम से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था जब बैक एंड में देख रहा था, फ्रंट एंड इजी होता है तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। तो फिलहाल बस वीडियो कहीं खत्म करते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे कॉलेज में या फिर इंडिया किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, बस आप उसे फिल कर दो, हमारी टीम बहुत ही जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ नीचे मैंने क्वायरी के लिए 1-2 नंबर दे के रखा है, व्हाट्सएप और कॉलिंग, तो आप चाहो अगर कॉलिंग के थ्रू भी आपको अगर कोई डाउट क्लियर करना है तो आप वो भी पूछ सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।